मोदी को सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2.1 के बहुमत के साथ ये फैसला लिया है। देश भर में कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने हाहाकार मचा रखा है। एक और रोजाना जहां कोरोना संक्रमितों के एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नए स्ट्रेन के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में फैली महामारी के कारण सबसे ज्यादा विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड बोर्ड परीक्षाएं 9 मार्च से आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी। वहीं अब ममता बनर्जी के कैबिनेट के खेल राज्य मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रत्न शुक्ल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। महामारी के बीच फैले इस संकट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र की पेशकश की है। बालासाहेब थोराट ने कहा है कि मैंने शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया है कि अगर उनके पास कोई और है जो पार्टी के लिए काम कर सकता है तो मैं त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूँ। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। गांगुली का इलाज करने वाले जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी ने गांगुली को देखने के लिए मंगलवार को अस्पताल का दौरा किया था और कहा कि गांगुली को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने भारत के दौरे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने आगामी भारत दौरे को रद्द कर दिया है। जॉनसन गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी रविवार को मंजूरी दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के बीच बयानबाजी से जो विवाद खड़ा हुआ था वो अब खत्म हो चुका है और दोनों कंपनियों ने मिलकर साझा बयान जारी किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आदर पूनावाला और भारत बायोटेक के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण एल्ला ने तरफ से बयान दिया गया है कि दोनों ने मिलकर भारत और दुनिया के लिए वैक्सीन उत्पादन की बात कही है।